माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं नीतू शर्मा, अहमदाबाद गुजरात से डायमंड डायरेक्टर। आज की इस जूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार यानी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो भी बेनिफिट हमको मिले हैं यानी टेस्टिमोनियल का दिन। आज यहाँ पे अलग अलग जगह से सब लोग जो हमारे फायदे मिले हैं प्रोडक्ट के द्वारा वो सब अपना अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करते हैं, और जिससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है कि हमें किस जगह किस प्रोडक्ट को देना है, इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमारा जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो होना हमारे बिजनेस के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ये पूरा सेशन हम डायरी और पेन के साथ में और एक जगह बैठ के शांति से सुनेंगे। तो आज की इस सेशन को शुरू करने के लिए आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट मिस्टर अशोक कुलारी सर को। थैंक यू वेरी मच नीतू मैम। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, शुक्रवार का दिन भी मुस्कुराते हुए सुबह की शुरुआत। हमको सोमवार हो या शुक्रवार हो, मंगलवार हो या रविवार हो, हर दिन जो है मुस्कुराते हुए हमको शुरुआत करनी है हमारे सेशन की। और जैसा कि नीतू मैडम ने बताया कि आज का सेशन जो है वो हमारा वो है प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, यानी उन प्रोडक्ट का लाभ जो हम लोगों को रेकमेंड करते हैं या खुद यूज करते हैं, उनका बेनिफिट मिला है उसकी जानकारी हम यहाँ पर शेयर करते हैं उन सारे साथियों के लिए जो हमारी टीम में अभी नए हैं या हमारे इस बिजनेस में अभी आए हैं, वो जाने, या उन साथियों के लिए जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए। और इससे भी महत्वपूर्ण जो है इस चीज को कि आयुर्वेद 5,000 साल पहले भी काम करता था, कल भी काम करता था, आज भी काम करता है, आगे भी काम करेगा। तो इस चीज के लिए जो है हम लोग इस सेशन को रखते हैं हर शुक्रवार को सुबह 6:25 पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे तो हम सोमवार से शनिवार अलग अलग टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आके बात करते हैं, लेकिन हर शुक्रवार को हम स्पेशली बात करते हैं किस चीज के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल पे। तो इस टेस्टिमोनियल को बताने के लिए आप सारे साथी रेडी हैं, तो जो जो साथी रेडी हैं वो अपना डिजिटली हैंड रेज करेंगे, लेकिन डिजिटली हैंड रेज करने के साथ साथ और क्या क्या करेंगे, अपने मोबाइल को रखेंगे ऐसे वाइड, है ऐसे वाइड रखना है, बैकग्राउंड को एक बार चेक कर लेंगे कि आपका बैकग्राउंड ठीक आ रहा है कि आपका वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद में ये वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो आपका अगर कोई बहुत शानदार आपने टेस्टिमोनियल बताया और आपका बैकग्राउंड अगर साथ नहीं दे रहा है तो उतना लोग पसंद नहीं करते हैं ना, तो लोगों को पसंद करना जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि आपके आसपास में कोई शोर शराबा ना हो, बिल्कुल भी शांति हो, इस चीज को आप इंश्योर कर लें, क्योंकि जितना हम बताना चाहते हैं उसके साथ सीखना भी जरूरी है। हम अपनी बात बताएंगे उतना दूसरों की चीज को भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हमको जो चीज आती है, हमारे हमको जो टेस्टिमोनियल जो बेनिफिट मिला है, वैसे ही बहुत सारे लाखों लोगों को इन प्रोडक्ट के बेनिफिट मिले हैं। तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो है अपनी बात यहाँ पे रखते हैं, तो उनकी बात को सुनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है अगर हमारा मूवमेंट हो रहा है तो हमारा जो है कोई भी व्यक्ति जो है मूवमेंट होते हुए उस टाइप के जो है वीडियो को अच्छा नहीं दिखता है, तो उस चीज को हमको ध्यान रख लेना है। घर में जो हमारी बहनें कुछ कुछ जो है अपना सुबह का काम करते हुए करती हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप ऐसा काम वाला देखिए कि आप आराम से उसको कर पाए। एक तो आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, अपना ड्रीम बना लीजिए कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, सुबह का जो है कोई आएगा करेगा, आराम से उस चीज को होगा। और दूसरा चीज ये है कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें शोर शराबा ना हो ना, आप हस्बैंड वाइफ कुछ कर रहे हैं, वाइफ कुछ कर रही है, हस्बैंड एक टेस्टिमोनियल बोल रहे हैं, तो खटपट की आवाज हमारे घर से नहीं आनी चाहिए इसमें। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। तो बहुत ही शानदार आज का टेस्टिमोनियल होगा। लोग जो है छुट्टियां बिताने के बाद जो है हमारा वापस से लौट रहे हैं आज, लेकिन एक और त्योहार की शुरुआत हो रही है हमारे बिहार में जिसको बोलते हैं छठ पूजा। 20 तारीख तक चलेगा लगातार। तो आप सारे साथियों को जो हमारे बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल और इस रीजन से जो छठ पूजा जो जो साथी मनाते हैं, उन सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, तो पहले मैं स्पीकर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा महाकाल से हम शुरू करेंगे आज की बात को। तो कृष्णा जी आप आइए, अपनी बात रखिए, क्या किस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करना चाहते हैं? जी अनम्यूट करिए सर। सर जी, भाई मॉर्निंग सर। जी सर। हमारा एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। जो 15 दिन पहले एक लड़की को उसका दांत जी में जी बहुत पेन होता है,
और जी दूसरे कुछ कंपनी का पेस्ट, कुछ मेडिसिन भी यूज किया था लेकिन कोई रिजल्ट हाँ नहीं आया। लेकिन हाँ हम बहुत फोटो फेसबुक में डालता था, वो हमको बोला तुम कुछ आयुर्वेदिक कंपनी में काम करता है तो ऐसा कुछ आपके पास है, इसको जी सॉल्यूशन कर सकता है। तो हम उसको, हमारा जो सुपा डेंटोबोन है और माई तुलसी है उसको लगाने के लिए बोला था। वो 10 दिन का बाद हमको फीडबैक दिया, उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और उसके साथ साथ उसका हेयर लॉस को भी प्रॉब्लम था। इसके लिए वो कल का डेट में वो मांगोल भिंगुराज कैप्सूल और भिंगुराज ऑयल भी ऑर्डर कर दिया है सर। ये हमको बहुत शानदार। अच्छा लगा सर। बोलते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना वो आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो फिर आगे, देखिए शुरू किया था इन्होंने डेंटाबोन से और तुलसी से कि किस चीज में। अभी सर्दियां आ रही हैं, बहुत लोगों को दांतों के दर्द होंगे, लोगों को लगता है घुटनों के दर्द, यही सारी चीज सर्दी में होते हैं। नहीं, सर्दी में दांत दर्द भी शुरू होता है, आप इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और जो लोग दांतों में, जिनको दर्द होता है, वो कुछ लोग तो एकदम लापरवाह होते हैं दांतों को लेकर, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, उनको बहुत सफेद सफेद दांत चाहिए, उसके चक्कर में वो पूरे मसूड़ू का जो जो गम है उसको हटा देते हैं रगड़ रगड़ के। तो जिन लोगों को आप डेंटाबोन पेस्ट दे रहे हैं उनको डेंटाबोन का ब्रश भी देना। हमारे ब्रश की जो डिजाइन बनी है वो ऐसी बनी कि वो दांत को जो बिल्कुल भी ये नहीं करता है, खराब नहीं करता है। क्योंकि एक बार मैं मिस्टेक से जो है बीच में मेरा जल्दबाजी में जो है, मैं तो एक्स्ट्रा रखता हूँ अपने ट्रंक के ऊपर हमेशा, तो मिस्टेक से मैं डेंटाबुन का ब्रश ले जाना भूल गया और ये 3 स्टार होटल था वहां पे, और मैं वो ब्रश यूज करके, मुझे मतलब बोलते हैं ना नानी याद आ गई, वो वाली चीज याद आ गई। तो तब मुझे याद आया कि डेंटाबुन ब्रश का क्या रोल है, ये इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, इसका इसका स्टाइल ऐसी है जिसपे लास्ट पे पकड़ के करना है, तुलसी उसमें साथ में डाल के करें, धीरे धीरे करें, बाद में मसूड़ी की जो है थोड़ी मसाज कर ले, और साथ में अगर हमने बार बार बात करते हैं कि नारियल तेल जो है उसको मुंह में रख के उसका कुल्ला करें, है ना, उसको गंडूस और कवल बोलते हैं, अगर पूरा भर के करेंगे तो गंडूस बोलते हैं, थोड़ा करके करते हैं तो इसको आयुर्वेद में कवल बोलते हैं। तो ये करने से छोटे छोटे जो पार्टिकल फंस जाते हैं हमारे दांत और मसूड़े के बीच में, वो बाहर निकल जाते हैं, और फिर हम पेस्ट जब करते हैं तो वो पूरे की पूरी उस गंदगी को बाहर निकाल देता है। और दांतों का जो दर्द है, ताकत लगाने से नहीं जाएगा दांत का दर्द, कम करने से जाएगा, हल्का हल्का ब्रश करना है, कमल और गंडूस ये करना है इसमें, और लगातार जो है तुलसी उसके साथ यूज करना है, और उससे आदमी को जो बेनिफिट मिलता है, तो वो मानगोल भी ले रहा है, वो बालों वाला भी आपका भृंगराज ऑयल भी ऑर्डर कर रहे हैं, वो भृंगराज कैप्सूल भी, आपने बिल्कुल ठीक किया है, भृंगराज महाभृंगा ऑयल के साथ भृंगराज कैप्सूल जो है जरूर हमको देना है अगर हम चाहते हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट आए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कल्पना मैडम के पास चलते हैं एक बार। कल्पना मैडम, आपका टेस्टिमोनियल हम सुनना चाहेंगे। जी सर, माय रिचर्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम, सर मेरे आज का टेस्टिमोनियल है कि एक लेडी को 3-4 साल से एक तकलीफ हो रहा था, तो जी उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मुझे कोई भूत प्रेत भिड़ गए। तो मैंने बोला हाँ क्यों ना, मुझे डर लगता है, भूख नहीं लगता, जो भी खाऊं तो उल्टी आ रहा है, तो बहुत जादू वगैरह किया, जो साधु संग किया, यज्ञ किया कि मुझे भूत प्रेत भेड़ गए, इसीलिए ये हो हाँ रहा है। तो जो कुसंस्कार होते हैं पहला दिनों का, जो लोग बुजुर्ग लोगों का बोलते हैं, तो बहुत जी डॉक्टर भी दिखाया, एलोपैथी मेडिसिन और दवाई लिया और होम्योपैथी भी लिया, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो जी उनको मैंने बोला मैं आपको इस भूत प्रेत को भाग दूंगी। तो उन्होंने बोला कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं किया। तो मैंने बोला मैं कर दूंगी अब। तो मैंने क्या किया कि उनको मांगोल दिया, डायबिटिक मांगोल और ओमेन प्रोटीन और लीप 2000 कैप्सूल और तुलसी, ये जी 4 चीजें देने के बाद उन्होंने यूज करके करते करते उन्होंने 10 दिन के बाद मुझे फोन करके बोला, और आपका प्रोडक्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने बोला 6 महीने लेने पड़ेगा, लेकिन एक महीना तो कम करो, एक महीने तो कंप्लीट करो। तो ठीक 5 दिन के बाद अब और फोन किया, फोन करके बोला मैडम मैंने कुछ लोगों को बोल सकते हैं क्या। तो मैंने बोला क्यों बोलना चाहते हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को बताऊं। तो 5 दिन पहले का बात और 5 दिन बाद में का बात बहुत असर पड़ गया। तो मैंने बोला कि ठीक है आप बोल सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है, वो तो आपको जानना पड़ेगा कैसे बोलना है,
और पहले तो मुझे बताओ कि क्यों बोलना चाहते हो। आप सुस्त हो गए, आपका फायदा मिल गया, ठीक है, लोग आपको क्यों बोलना चाहते हो ना। मैं चाहती हूँ कि लोगों को भला हो, इसीलिए बोलना चाहती हूँ, और कुछ पैसा भी मुझे चाहिए, तो मैंने जाना कि इस सिस्टम में इनकम है, तो इसीलिए तो मैंने बोला एक बार बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी बहुत रिजल्ट मिल गया उनका, वो भूत प्रेत भी भाग गया, तो 6 मास उनका कंटिन्यू कराऊंगी, उसके साथ बात हुआ। थैंक यू सर। क्या 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 नहीं लगता था भूत भूत घुसने से? किसी ने बताया भूत घुस गया है ना, तो उनको क्या क्या नहीं होता था? एक तो भूख नहीं लगती थी और हाँ, उल्टी आ रहा, कुछ खाए तो उल्टी आ रहा था, वॉमिटिंग उल्टी आती हो रहा थी। था। हाँ, हाँ, वोमिटिंग और होती थी। वो जो हार्ट में धड़पड़ होता है, चल नहीं पाता था, कुछ देखे तो डर लगता था, तो हाँ बहुत दुबला पतला है उन ऑलरेडी, बहुत दुबला पतला है, तो मुझे लगा उनका प्रोटीन डेफिशिएंसी है और लीवर का बहुत प्रॉब्लम है, कुछ खा नहीं पा रहा है इंडाइजेशन भी है, लीवर बहुत कमजोर। सर। क्या क्या दिया? मान गोल दे। ऐसे भूत घुसने वाले बहुत लोग घूमते हैं जिनको भूत घुसा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए क्या है? एक तो मान गोल दिया, एक तुलसी दिया, लिव 2000 दिया, और प्रोटीन दिया, विमेन और प्रोटीन। हाँ, विमेन प्रोटीन, चार प्रोडक्ट दिए। तो भाई जिसको भूत निकालना है वो लिख ले, लेडीज में खास कर ये घुस जाता है, तो ये चारों चीज अगर देंगे तो भूत निकल जाएगा बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से आगे बढ़ते हैं। एक बार बबीता मैडम को सुन लेते हैं। बबीता मैडम आप आइए, बबीता राठी। माय रिचार्ज आज मॉर्निंग सर जी, जी मैम। परसों की बात है भैया, दूध के दिन है जी जो हाँ इनके ये यहाँ पर दो सीट पूरा आए, उतना चोट लगा अलमारी से अचानक से, तो हाँ उस जगह पर रातों रात मैं तुलसी लगा करके पूरा वॉश किया, ब्लड रुक नहीं रहा था, वो ब्लड भी इंस्टेंट रुक गया। उसके बाद अपनी जो हल्दी है और पुराने जो गाय का घी है, हाँ उसमें हल्दी को पेस्ट बना करके उस हल्दी को लगा दिया, तो मुझे स्टीज लगाने की दरकार नहीं है, ना पकाव नहीं है, अब दर्द भी कम हो गया है। क्या बहुत बढ़िया। तो आपने बोला है उसके तुलसी बाद? पहले लगाना शुरू किया तो वो दर्द पे जो खून निकलता था वो उससे बंद हो गया ना, फिर हल्दी और गाय के घी को आपने इस्तेमाल किया। अभी तो एकदम सही लग रहा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी एकदम सही है, सही है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुलसी तो हर चीज में काम आती है, हर चीज में। सत्येंद्र जी आइए, सत्येंद्र कुमार जी। माय चाय मॉर्निंग सर। मैं सर सर एक मेरा टेस्टमोनियल है, घर में ही है सर, मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे को हो गया था पिंपल सर, ये जी 6 महीने पहले, ये तो अपना लॉकडाउन के बाद से ही इसको ये प्रॉब्लम आ गया था। हाँ जी तो ये हमेशा मास्क लगा करके रहता था, स्कूल में भी जाता था तो मास्क लगा के ही जाता था, हाँ स्कूल जी से भी कंप्लेन आता था कि हर समय मास्क क्यों लगा के, क्लासरूम में मास्क लगा के क्यों रहते हो। तो इस बीच में मेरे को कंप्लेन किया प्रिंसिपल, तो मैं गया प्रिंसिपल के पास, गया मैं, जानकारी दिया कि मैं ऐसे ऐसी बात है, इसको पिंपल हाँ हो गया है, तो बहुत परेशान है। इससे पहले इसका ट्रीटमेंट कराए थे होम्योपैथ में। हाँ आवाज आ रही सर? होम्योपैथ बिल्कुल आ रही है, आप तो बोलिए सर, बहुत शानदार। में, होम्योपैथ में इसका इलाज चला, करीब 1-1.5 साल चला सर। तो अच्छा मैं 4 महीना पहले मैं जब मेडिचाल में ज्वाइन किया, तो अपना टेस्टमोनियल देख करके सारा चीज जानकारी मिला, तो मैं अपने बच्चे पर इस चीज का इस्तेमाल किया सर। है हाँ पिंपल, पिंपल इतना हो गया था कि गड्ढा गड्ढा होने लगा था। अच्छा, तो क्या जैसे मैं ज्वाइन किया तो, प्रोडक्ट दिया हाँ, प्रोडक्ट मैं इसको दिया था मांगोल, तुलसी, नीम पुरीम, एलोवेरा जेल और नीम सॉप। था? नीम अच्छा सॉप से सफाई करता था चेहरे को, नीम पुरीम और तुलसी मिला करके चेहरे पे लगाता था। हाँ हाँ, तो लगाने से ये हुआ कि ये अभी 1.5 महीने में 80% इसका रिमूव हो गया सर। मेरे बाजू में बहुत बैठा ही है हाँ भाई, चाहिए मॉर्निंग सर। भाई चाहे विद द मॉर्निंग सर। हाय सर, द मॉर्निंग। हाँ अभी तो ठीक लग रहा है। अभी 80% सर रिमूव हो गया है, अब खुल हाँ के घूमता है, जहां भी जाता है मास्क लगाता नहीं है, हाँ रिलैक्स होकर के जाता नहीं। इससे पहले इतना शर्म से ये परेशान हो जाता था, किसी के पास जाता नहीं, घर हाँ से निकलता पिंपल्स था को मास्क दबाना लगा। नहीं है, पिंपल्स को दबाना नहीं है। आपने जो चीज बताई वही सारी चीज लेनी। इसके अलावा इसकी एक क्रीम आती है, वो तो खैर अब बंद हो रही है, पिंपल एंड पिगमेंटेशन क्रीम है। उसका एक एडवांस वर्जन जो है अगले महीने से आ रहा है,
जी उसको सर बोलते हैं डिवाइन ग्लो। तो एक नई क्रीम कंपनी जो है डर्मा की लेके आ रही है, जो स्पेशल रूप में 18 से लेके 30 साल के बीच वाले लोगों को जो पिंपल्स होते हैं उन्हीं के लिए। बाकी इसका सबसे सही सॉल्यूशन आपने वही चीज बताया कि नीम प्यूरियम कैप्सूल, मांगोल और तुलसी अगर हम दे रहे हैं तो उसका बड़ा एक सॉल्यूशन हमको निकलता है। साबुन तो देखिए अपना काम करते हैं, साबुन तो क्या है कि उसका ऐसा कुछ रोल नहीं है, वो 75 T 76 TFM है वो, है ना। तो वो बी ग्रेड साबुन नहीं है, वो कोई चर्बी से बना हुआ साबुन नहीं है। वो वर्ल्ड में जो सबसे बेटर जो बाथिंग सोप होते हैं वो है, लेकिन वो पिंपल हटाने में काम नहीं करता, लेकिन कई बार दूसरे साबुन को लगाने से पिंपल्स हो जाते हैं वो, और कुछ ये हो जाते हैं चर्बी वाले जो साबुन होते हैं, सी ग्रेड के जो होते हैं जिसमें बहुत झाग साबुन आते। से होता है क्या सर? सिर्फ सफाई सिर्फ करता है, गंदगी को सफाई करके उसके बाद एलोवेरा जेल हाँ और तुलसी को हाँ पेस्ट तो करता है उसमें उसके जो बाद। हमारा एक एंटी पोल्यूशन एक फेस वॉश आता है पपाया एप्रिकोट, उसको यूज करिए जितने भी लोग जो होते हैं। नीम फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको तो ठीक हो रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, जो चीज आपने दिया वही चीज यूज करना है। बहुत शानदार सर, पिंपल की ये प्रॉब्लम है, इसको मानते लोगों को ना बीमारी नहीं समझ में आती। आपने ठीक बोला मास्क लगा के, ऐसे मैंने एक बच्ची को भी कॉल सेंटर में आती थी तो वो मास्क ही नहीं हटाती थी, तो बाद में समझ में आया कि वो भी पिंपल के कारण नहीं हटा पा रही थी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चंदना सेनापति आइए एक बार। चंदना मैडम जी, मारिचे जारविदा मॉर्निंग सर जी। मैम एक मेरे टीम का एक 4.5 की 4.5 उसका उम्र मैंने বয়স হচ্ছে তার 4.5, তো তার দাউ লাগছিল না, মেয়েটা হাঁটতেও পারছিল না। তো আমরা যো হাম লোন কা যো প্রোডাক্ট হ্যায় তুলসী দিয়া থা উসকো অর তাকে ভিজে দিছিলাম, তারপরে আমাদের দিছিলাম চ্যাম্পস। ও ওর এখন মানে 4 মাস ধরে আমি দিছিলাম, এখন তার 1 কিলো ওজন বেড়েছে। আর তার মা বাবা এত খুশি, মানে একটা মেয়ে ছিল আর কি, তার অনেক বয়স করে মেয়েটা হয়েছিল, মা বাবা তো এত খুশি। তারা তার আশেপাশে আমার থেকে প্রোডাক্ট এত যাচ্ছে, তুলসী যাচ্ছে আর অ্যালোভেরা জেল আমাদের মাঙ্গল এত যাচ্ছে, আমি দিতেই পারছি না। इस बच्चे को क्या क्या प्रोडक्ट দিয়া থা আপনি? দিয়া থা মানে ভেজি জুস আর তুলসী আর দিয়েছিলাম আমরা আমাদের চ্যান্স। स्टेम्स। एक बच्चा मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ इसको, जो हिंदी के हमारे साथी हैं उनको, कि 4.5 साल का बच्चा हो गया था, पैरों नहीं चल पा रहा था ना बिल्कुल भी, और भी बहुत सारे स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए तीन प्रोडक्ट मैडम ने उनको रेकमेंड किए, न्यूट्रीबोन स्टेम्स, और नए वाला स्टेम्स तो और भी शानदार आ गया, बच्चे इसको तो छोड़ते ही नहीं है पूरी तरह से, तुलसी और वेजी जूस। और बच्चा कुछ ही टाइम पे जो है अपना, जो 4.5 साल का हो गया था चल नहीं पा रहा था, उसने चलना भी शुरू कर दिया, उसके बीमारियां भी दूर हो गई, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट भी वो लोग लेना शुरू कर दिया। बहुत, 1 किलो वजन भी बढ़ गया। 1 किलो वजन बढ़ गया। हाँ इसको मैं मिस कर, 1 किलो वजन बढ़ गया बच्चे का ना, साथ में जो वजन नहीं बढ़ रहा था पूरी तरह, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त रेमेडी, हम तो तुलसी और चेम्स की बात करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के वजन नहीं बढ़ रहे हैं या एक लेवल तक जो है बहुत रोते हैं, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो उसको जो है आप वेजी जूस भी उसके अंदर ऐड कर दें। सुल्तान मौला आइए एक बार जी। माय जी रिचार्ज पायल द मॉर्निंग सर सर। আমি বাংলায় বলি স্যার। তো হ্যাঁ স্যার বাংলায় একজন বলুন। মানে 18 বছরের মেয়ে স্যার আমার কাছে এলো, যে স্যার মানে আমার ভাইজি মানে ভাইয়ের মেয়ে, তো বললো চাচা তুমি নাকি আয়ুর্বেদের ট্রে করছো, তো আমার তো অনেক দিন থেকে জ্বর। তো তার বাবা আমাকে বললো সুলতান আমার মেয়ে তোর কাছে যাবে, তার অনেক 4 সাল জ্বর, 4 বছর তো অনেক ডাক্তার দেখিয়ে তো জ্বর যাচ্ছে না, তো তুই আয়ুর্বেদিক কাজ করছিস তো আমার যাবে, তুই ওকে দেখিস তো। তা আমি ওকে আমার বাড়িতে এলো, আমি ওকে দেখলাম, দেখে সাজেস্ট করলাম যে ওনার জ্বরটা হচ্ছে ওনার নিউ ইয়ের প্রবলেম, মানে নিউট্রিশনের প্রবলেম, ওনার গায়ে রক্ত নেই। তো আমি ওনাকে দিলাম হচ্ছে তুলসী লিপ 2000, গিলয় ক্যাপসুল আর মানগোল। তা আমি বললাম তুমি কন্টিনিউ করো, তো 1 মাস কন্টিনিউ করার পরে দেখলাম পুরো একদম জ্বর চলে গেল, 4 সালের জ্বর একদম শেষ হয়ে গেল স্যার। তো সে বহুত খুশি, তার বাবাও খুশি, বলছে সুলতান তুই তো অনেক দিন তে ইয়ে করছি, আমার মেয়ের অনেক দিনের জ্বর, কিন্তু তুই একবার দেখে তোর জ্বর সেরে গেল, তো তুই কি ডাক্তার হয়েছিস এতদিন বলিস না। তাই আমি বললাম স্যার আমি তো মোটামুটি করছি প্র্যাকটিস, তো এখন এ করিনি, তো স্যার মোটামুটি তার জ্বর একদম চলে बहुत গেছে, চার বড়িয়া বছর বহুত জ্বর, বড়িয়া। অনেক ক্যা ক্যা ডাক্তার। প্রোডাক্ট দিয়া থা আপ এক বার রিপিট কর দিজিয়ে, প্রোডাক্ট বতা দিজিয়ে।
सर तुलसी दिया जी और लिप 2000 दिया, जुलाई दिया और मांगुल दिया। तो सब कुछ बताने के बाद वो मैं दिया सर, उसको सब कुछ जानकारी के बाद बहुत उसको बढ़िया। दिया। जो अब मैं प्रॉब्लम इसका था थोड़ा सा ना, हिंदी में बता देते हैं। तो 18 साल की एक लड़की को जो है बुखार जो है ना वो नहीं टूट रहा था लगातार लगातार, तो वो बहुत डॉक्टर दिखाया, लेकिन फिर वो इनके पास आए कि आप न्यूट्रिशन पे कुछ जानते हैं करते हैं। तो इन्होंने उनका पूरा रिपोर्ट समझने के बाद कंसल्ट करने के बाद उनको 4 प्रोडक्ट दिया। एक दिया मांगो, एक लिप 2000, एक दिया हमारा गिलोय और तुलसी। तो इनको समझ में आया कि उनका जी सर न्यूट्रिशनल गैप है, उनको हीमोग्लोबिन की कमी है और उसके कारण से कमजोरी है, उससे इसको हीमोग्लोबिन कौन बढ़ना था है। सर? तो जैसे ही उनको ये प्रोडक्ट दिए तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, बढ़ते ही जो है इम्यूनिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ते ही बुखार गायब हो गया। तो ये लड़कियों को ना बहुत ये ईस्टर्न पार्ट में कॉमन होता है कि खान पान की थोड़ी सी कमी मान लीजिए या केयरिंग को मान लीजिए इसको करके, तो ऐसा किसी को भी हो रहा है। तो इन्होंने जो ये बताया है कि जो यंग एज में जो लड़के लड़कियां हैं उनको लगातार बुखार अगर नहीं जा रहा, और खासकर महिलाओं में ये बहुत होता है ना, यंग जो लेडी है उनमें भी बुखार नहीं टूटता है, तो उसका एंटीबायोटिक से नहीं टूटेगा, उसको हमको न्यूट्रिशन ही देना पड़ेगा। तो मानगोल, लिप 2000, गिलोय और तुलसी, और इन्होंने दिया। तो बहुत ही शानदार सर, बहुत जबरदस्त। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार डॉक्टर प्रमोद आइए। यस मैरी चार्जर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर एक पेशेंट था सर, वो जी उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और बहुत सीरियस पोजीशन में था, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम था। उनको जी किसी ने सलाह दिया था, उनको बहुआ मातृत्व लाभ भी नहीं मिलता था। हाँ उसको मैंने जांच कराया, तो जांच कराने के बाद उसको थायराइड साबित हुआ। उसके हाँ बाद यूटेरस में फाइब्रॉइड था, हाँ ब्लीडिंग काफी ज्यादा होता था, पूरे बॉडी में सूजन था, हीमोग्लोबिन का लेवल इतना था 5 पॉइंट कुछ था। ओहो बहुत ही कम। तो उनको कोई भी डॉक्टर से दिखाता था, उनको बोलता था कि नहीं यूट्रस ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन उनको तो बवा हुआ नहीं था तो वो कराना नहीं चाहता था। उसको किसी ने सलाह दिया, मेरा मतलब मेरे बारे में बताया, तो मेरे पास आया। उनको जी सब जांच कराने के बाद मुझे पता चला फाइब्रॉइड भी है, थायराइड भी है वगैरह वगैरह, और भी हेमोग्लोबिन भी डाउन था। उसके बाद मैंने उनको दिया मांगोल, नोनी, नीम पुड़ी, तुलसी, मोरिंगा गोल्ड। उसके बाद चलाने के बाद उसको मैंने बोला कि जे 1 साल आप बिना रिजल्ट देखे कंटिन्यू चलाइए। जी 8 महीना चलाने के बाद उनको बवा कंसेप्ट हो गया। के बाद आप कुछ दिन में खुशखबरी भी आएगी, अभी स्वस्थ है। बहुत शानदार। क्या क्या प्रोडक्ट आपने दिए थे? मांगोल, जी नोनी, जी गिलोय दिए थे, गिलोय का मात्रा थोड़ा जो डोज बढ़ा दिए थे। जी उसके बाद नीम पुरीम दिए थे, उसके हाँ बाद मोरिंगा गोल्ड, तुलसी। बहुत बढ़िया। 8 महीने चलाए तो लेडी को क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक तो उनको जो है हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था, 5, मतलब आप सोच के देखिए ना, हाँफनी आ जाएगी अगर 5, 6, 7 है तो इसको करके। तो जितने भी साथी जो है मैं उनको बोलूंगा कि जिंदगी की गाड़ी जो है ना साथ साथ चलती है, तो हस्बैंड वाइफ को आप मानगोल और लिव 2000 साल में ऐसे ही लोगों को पीना पिलाना चाहिए, महिलाओं को तो स्पेशल रूप में। और उम्र कितनी थी इनकी? उम्र थी लगभग 27 साल। 27 साल है। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो दूसरी दो प्रॉब्लम निकल के आ गई, हीमोग्लोबिन की कमी है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और जो है ओवेरियन सिस्ट है ना, तो जी इसका थायराइड सिस्ट है। तो दिक्कत क्या है कि आप यूट्रस का ऑपरेशन करके ऑपरेट करके निकाल दीजिए इसको, तो उनको तो बच्चा ही नहीं है, तो वो लोग निकालना नहीं चाहते थे। तो फिर डॉक्टर प्रमोद जी से उन्होंने कंसल्ट किया, ये तो मेडिकल की सारी चीजें करते हैं, तो साथ में इन्होंने माई रिचार्ज की ये प्रोडक्ट चलाए। तो 8 महीने बाद जो है लेडी ने बच्चे को भी कंसीव किया। तो जब हीमोग्लोबिन ठीक होगा, खुद का शरीर ठीक होगा, तभी तो है ना सारी चीजें बैलेंस होंगी, थायराइड ठीक होगा। अगर थायराइड से पेशेंट है तो वो तो कंसीव नहीं करेगी, अगर सिस्ट है तो कंसीव नहीं करेगी। ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल जो है महिलाओं में सिस्ट वाली, इसका जो है न्यूट्रिशन में ही, इसका जो है आयुर्वेद में भी है लेकिन न्यूट्रिशन साथ में लेके इसका ट्रीटमेंट है। और हीमोग्लोबिन के लिए तो मानगोल हमारा है, वेजी जूस है, मोरिंगा गोल्ड है, लिप 2000 है, एलोवेरा है, ये तो
रामबाण है, बहुत जबरदस्त। आज का टेस्टिमोनियल लग रहा है कि पहले के किसी भी टेस्टिमोनियल से बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर जा रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रूप में जो है आप सारे साथी रख रहे हैं। संगीता बेरा आइए एक बार, संगीता मैडम जी। मैडम माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। जी मैडम, আমার টেস্টিমনি, আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে আমার পাড়ার একজন কাকিমা তো লিভারের প্রবলেম, মানে উনি যা কিছু খেতেন অ্যাসিড করতেন। হ্যাঁ তো উনি এসএসকে স্কুলে টিচারি করেন, তো উনি বলতেন যে আমার অ্যাসিড সব সময় হয়, ঘুম ভালো হয় না, খিদে হয় না। তো উনি কোথাও অন্য কোথাও থেকে আয়ুর্বেদ কিছু জিনিস খান। তো উনাকে আমি বলি যে দেখো কাকিমা, আমাদের এখানে আমাদের মাঙ্গল খুব জবরদস্ত প্রোডাক্ট, এবং আমাদের লিফ্ট থাউজেন্ড আছে, তোমার যা লিভারের সমস্যা আছে ওগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তো হুম প্রথমে বলছে না, আমি এক জায়গায় খাচ্ছি তো ওখানে মোটামুটি রেজাল্ট পাচ্ছি, আমি যে এখানে আরো ভালো রেজাল্ট, তুমি দেখবে কতটা ভালো থাকো। তা ওনাকে আমি বুঝিয়ে আবার মাই রিচার্জের প্রোডাক্ট আইডি বানিয়ে ওনাকে লিফ্ট থাউজেন্ড, তুলসী, মাঙ্গল, কাড়া দিয়ে দিই, ত্রিফলা দিয়ে দিই। তো উনি প্রথম 1 সপ্তাহ খেয়ে বলছে আমার যেন বেড়ে যাচ্ছে, আমি কি বাড়ুক ওটাই কমবে, একটু ধৈর্য ধরো ঠিক হয়ে যাবে। তো উনি আমি কাল রাতে ওনার সাথে দেখা করি, আমাকে ডাকে উনি বাড়িতে, তো গিয়ে আমি দেখলাম উনি নিজের থেকেই বলছি যে আমি খুব ভালো আছি, আমার পটির সমস্যাও ঠিক আছে, আমার খিদেও হচ্ছে, ঘুমও আগের থেকে একটু বেড়েছে। তো আমি বলছি তুমি কন্টিনিউ 6 মাস করো, দেখবে তোমার যা যা সমস্যা আছে চলে যাবে। তা তুলসীও সাথে অ্যাড আছে। হ্যাঁ এই আমার টেস্টিমোনিয়াল স্যার। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एक ही चीज आपकी बात पे कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि पहले सब कुछ करने के बाद फिर आयुर्वेद को आजमाना चाहते हैं, न्यूट्रिशन को। मैं बोलूंगा कि पहले आजमा के नहीं, पहले भी आप जो है न्यूट्रिशन और आयुर्वेद को आजमा लीजिए, आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सब कुछ परेशान होके जो है यहाँ पे आते हैं और फिर ठीक होते हैं, फिर बोलते हैं यही सही है करके, सब कुछ लुटा के, सब कुछ खर्च करके, हेल्थ को खो के फिर आते हैं। उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिलीव करिए इसके ऊपर, लाखों लाखों लोगों ने बिलीव किया इसको और आगे बढ़े हैं। अकबर अली जी आइए एक बार, एस के अकबर अली जी। जी सर, मॉर्निंग सर। जी सर, 1 महीना पहले हम एक कपल से मिला है और जी दोनों पेशेंट है, क्योंकि हस्बैंड का दोनों किडनी खराब था और ट्रांसप्लांट किया है, वाइफ का एक किडनी देके ट्रांसप्लांट किया है। अभी जी तक वो सीएमसी बेलोर से ट्रीटमेंट चल रहा। वो जी जो हस्बैंड है वो मेरा एक ही स्कूल में पढ़ा है, वो 3 साल का जूनियर है, इसीलिए मुलाकात करने गया। तो जी हम बोला जो मेरा सप्लीमेंट जो है आयुर्वेदा का, हाँ तो वो हस्बैंड तो कुछ नहीं लिया, वो तो डॉक्टर साहब पूरा लिस्ट बना दिया, बाहर का कुछ लेना नहीं है। हाँ तो ठीक है, वाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, जो जी कमर में दर्द और जो थोड़ा थकान आता है, तो उनको सजेस्ट किया है मंगल पियो। तो पहले तो बहुत डर है, वो कपिल का पूरा डर में है, हाँ कुछ बाहर का लेना नहीं है, बाहर का लोग का साथ बात करना नहीं है, वो ऊपर में रहता है, नीचे में वो नहीं आता है नहीं। वो जो हस्बैंड है वो कॉन्ट्रैक्टर है, और थोड़ा हाँ थोड़ा अभी घर से ही वो बिजनेस डील कर रहा। तो हाँ मैंने वो जो लेडी है, लेडी को हम जोर से दिया है, जो वो जो दर्द हो रहा कमर में, वो जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा, क्योंकि एक किडनी नहीं है, वो तो नॉर्मल नहीं है, वो तो पेशेंट हो गया। उसको मांगोल तुलसी वो दोनों दिया है, और जो स्पाइस वो बोला जाए बाहर का स्पाइस नहीं खाना है, तो अच्छा से जो हमारा स्पाइस है, स्पाइस और राइस ब्रेन ऑयल दिया था। तो अभी फॉलो अप कर रहा, तो अच्छा है, वो कमर का दर्द थोड़ा कम हो गया। वो आज ही बोला है जे आर एक मंगल चाहिए, तो अभी आज नहीं कल जाएगा वो मंगल लेके। तो बहुत अच्छा है, थोड़ा खुश हो रहा है, लेकिन अभी बहुत तक बढ़िया, वो डर
नहीं कमा है अभी। दर्द के लिए तो ग्लूकोसमीन ऐड करना पड़ेगा सर आपको, नोनी और ग्लूकोसमीन जो है ना वो दोनों ऐड करने पड़ेंगे सर। सुनता ही नहीं है, पूरा डर में है वो, मंगल दिया है डर का। लेकिन जो भी किडनी के पेशेंट है उनके लिए तो देखिए, मैं मानगो लिव 2000 और एलोवेरा कैप्सूल ने तो ये लेंगे तो किसी को डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी, या डायलिसिस हुआ तो उनको ब्लड ऊपर से नहीं देना पड़ेगा ना कभी भी। ऐसे कितने पेशेंट हैं जो लोग मानगोल पी रहे हैं, या तो डायलिसिस ही छूट गया है या डायलिसिस हो भी रहा है तो खून जो है उनको नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सुनते हैं। एक बार राजेंद्र जी आइए, एक बार राजेंद्र बता अनम्यूट कर लीजिए जी। भाई सर मॉर्निंग सर। जी सर। सर एक 50 वर्षीय महिला से मैं पिछली बार मिला था सर, सितंबर में जी। लेडीज को मैंने पहले दिया था, उसको पहले यहाँ पे काले काले धब्बे हो रहे थे, उसके प्रोस मिला मेरे पास हो रही थी। हाँ। उसको एक तो खाना खाने से उल्टी होती थी सर, जो भी पानी वगैरह पीती थी तो उल्टी होती थी। हाँ। तो ये कई दिन से उसने दवाइयाँ ली डॉक्टरों से, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। तो उस महिला को जो आराम हुआ था उसके उसके बाद रेफरेंस से वो मेरे पास आई। तो मैंने कहा जी एक बार इनसे मिल लो आप, तो कोई ट्रीटमेंट देंगे तो पूछ लो। फिर मैंने उनसे कहा भी आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा भी अंदर क्या प्रॉब्लम है जी। तो जैसे हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो सर उसका पित्ताशय बढ़ा हुआ था सर। अच्छा। तो जैसे ही पानी पीती थी या खाना खाती थी, चाय पीती थी, या थोड़ा भूखे नहीं लगती थी उसको, और बाकी थोड़ा बहुत पीती थी तो उसी टाइम उल्टा आ जाता। तो सर उसको फिर हमने सर मानगोल दिया, तुलसी दिया सर, लिव 2000 दिया और त्रिशला कैप्सूल दिया सर। बहुत तो बढ़िया। उसको दिए, कंटिन्यू किया सितंबर से, अब नवंबर के 17 तारीख हो गई है। तो कल मैं उनसे मिलके आया था तो कह रहे थे भाई हम बिल्कुल ठीक हैं, लगभग ठीक हैं, पूरे तो नहीं है, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको, और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमारे को एक भूख नहीं लगती सर कुछ भी, भूख नहीं लगती। क्या क्या प्रोडक्ट आप दे रहे हो सर? सर जी मैंने उसको मानगोल दिया है जी, डायबिटीज वाला, और लिव 2000 दिया है, तुलसी दिया है और त्रिफला दिया सर। भूख लगने लग जाएगी सर, अभी उल्टी गिरनी बंद हो गई ना जी, तो लगने लग जाएगी उनको, क्योंकि उनको अगर पेन अगर होता है चेस्ट में, अगर कुछ पेन महसूस करते हैं तो युवा तेजो हाँ, तो युवा तेजो भाई एक एक कैप्सूल ऐड करिए सुबह शाम उनको, आप सही दे रहे हो एकदम। अच्छा जी, युवा तेजो ऐड करिए एक एक कैप्सूल। हाँ सर, एक उनके पड़ोस में एक और बंदा है, पड़ोस वाले ही फिर सुनेंगे सर, अगले अगली बार सुनेंगे पड़ोस वाले सुनेंगे आज तो, और बहुत सारे साथियों को मौका नहीं दे पाएंगे। तो सुदर्शन नायक आइए एक बार, सुदर्शन जी। जी सर। भाई जी प्रणाम जी सर। प्रणाम सर। सर एक आदमी जेके पटनायक, जो हमारा उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का नौकरी करते थे जी। अभी 6 साल उनका रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उनका हाई बीपी और हाई शुगर और उनका प्रोस्टेट भी दोबारा सर्जरी हुआ था, उसके बाद उनका नी में दर्द आ रहा है और सारा बॉडी में दर्द आ रहा है और नींद भी नहीं ठीक आ रहा है और उनका यूरिन स्टूल भी ठीक नहीं आ रहा है, उनका प्रोस्टेट भी दोबारा सर्जरी हुआ था। वो आदमी वो बहुत स्टेट वाला है, उनका पास कोई आदमी नहीं जा पाएंगे उनको, भी वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है ना, वो भी एलोपैथी के डिपार्टमेंट नौकरी करते थे, वो मेरे को बुलाया मैं जाए उसका साथ जो मिला मुलाकात हुआ, 1 घंटा का उनका साथ बात होने के बाद उनको मैं हमारा दवाई दे रहा हूँ, उनका मैंगोल और तुलसी जुबा तेजवा और हमारा नीमकुरीम और लिप 2000 उनको देने के बाद, वो 15 दिन के बाद वो और मेरे को फोन किया, वो नायक जी बहुत आप अच्छा मेरे को कर दिया, मैं खुश है, वो मेरा जो इतना साल जो डिजीज था ना, जो 15 दिन मतलब जितना भी आराम लगा मैं मेरे मेरे को बोलने के अच्छा मन में आया जी, मैं खुश से आराम मेरे को मिला था, वो भी दोबारा वो भी लेंगे
वो भी उनका जो दोस्त ना उनका सीनियर अभी जो नौकरी है उनका साथ भी मुलाकात हुआ। वो भी बोला था ठीक है नायक जी हमारा आपका जो दवाई दे रहा ना वो मेरा वाइफ की भी दीजिए, मैं उनको वाइफ की में अभी दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो किसी की नहीं सुनता, वो सुदर्शन नाइक की सुनता है ना, तो इसके लिए सुदर्शन नाइक बनने की जरूरत है ना। तो सुदर्शन जी क्या करते हैं, कल भी हमने बोला था ना कि उस नजर से देखना पड़ेगा कल के प्रोग्राम में। कल और परसों दो हमने बहुत अच्छे सेशन लिए हैं। जो साथी जिंदगी में बहुत पैसा नाम शोहरत कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे दो इसके सेशन है, गोल और ड्रीम, और एक जो है 7 हैबिट्स। तो इसको जरूर जो है आप देखें अपने 2 घंटे निकाल के। तो सुदर्शन जी ने पहले उनको सुना पूरा, सुन के फिर जो है चालू किया, और 15 दिन में जो है उनको रिजल्ट मिला है। तो रेगुलर क्वालिटी के लोग जब आपके संपर्क में आते हैं तो फिर वो चेन बनती चली जाती है क्वालिटी के लोगों के। देखिए एक एक व्यक्ति जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से बड़ी पोस्ट से रिटायर है, बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, हमारे प्रोडक्ट लेना चालू किया क्योंकि किसी को सुनते नहीं थे। तो सुदर्शन जी ने सुना, सुन के उनको दिया, उनको बेनिफिट हुआ। अब वो दूसरों को सुना रहे हैं कि यही लेना है। अब वो ये जब तक हम देखेंगे 1-1.5 महीने में पता चलेगा सुदर्शन जी कोई 10-15 ऐसे लोगों से के बीच चले गए हैं जिनको कि कोई हम सुनने वाला नहीं था, लेकिन जब रेपो बन गई, जब चेन बन गई यहाँ पर, तो अब वो सुनाने वाला आदमी मिल गया है। वो अब सुदर्शन जी को नहीं सुनाते हैं, वो दूसरों को सुनाते हैं कि भाई मानगोल पीना है, तुलसी लेना है, ग्लूकोसमिन लेना है, शिलाजीत लेना है। तो ये सारी चीजें बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। और आज जबरदस्त रूप में लोग भी जो है यहाँ पर 850 के आसपास जो है हमारे साथी लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ स्वपन दास अधिकारी। अनम्यूट करिए माय जी। रिचार्ज एवरी मॉर्निंग जी मैम। আমার এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী 15 দিন ধরে কন্টিনিউ ব্লিডিং হচ্ছিল, হ্যাঁ মানে অনেক ডাক্তারবাবু দেখেছে কিন্তু দুর্বলে উঠতেও পারেনি, ব্লিডিং ও বন্ধ হয়নি। আমি হ্যাঁ একদিন ফলো আপে গেছিলাম, গিয়ে দেখলাম বলছে যে আমার এই এই হয়েছে, বলছে অনেক টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। আমি তখন বললাম ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার 6 মাসের কোর্স কিন্তু তুমি 1 মাস ইউজ করে দেখো, 15 দিনে কিছুটা হলেও তুমি রেজাল্ট পাবে। দিয়ে জোর করে মঙ্গল লিপ 2000 আর ত্রিফলা আর টিউবিন ওমেন এইটা দিয়েছে আর তুলসী। একদম 1 সপ্তাহ পরে এসে বলছে দিদিমণি তুমি আমাকে কি সুন্দর জিনিস দিয়েছো, আমি ডিউটি করতে পারছিলাম না, এখন সুন্দরভাবে হাঁটাহাঁটি করছি, আমার খুব আরাম লাগছে, খুব ভালো আছি, আমার আর কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে আমাকে যেতে হয় না, এখন কন্টিনিউ बहुत রাখছে। बढ़िया। একবার एक बार दोबारा से आप प्रोडक्ट रिपीट कर दीजिए। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ना ब्लीडिंग नहीं रुकती है कुछ लेडीज में, तो क्या क्या प्रोडक्ट दिया एक बार दोबारा आप बता दीजिए। স্যার মঙ্গল ডায়াবেটিক মঙ্গল দিয়েছি, जी নিউট্রিবুন ওমেন দিয়েছি, ওমেন প্রোটিন দিয়েছি, লিপ जी 2000 দিয়েছি, ত্রিফলা ক্যাপসুল আর তুলসী। 5 প্রোডাক্ট দিয়ে তো একদম জো ডিসঅর্ডার থা ওও ভি চলা গিয়া, ডিউটি ভি করতে হ্যায়, বহুত খুশ ভি হ্যায়। तो একদম ये देखिए वो जो सुदर्शन जी ने किया वही चीज इन्होंने यहाँ पे किया मैडम ने, और इनका धीरे धीरे जो है वो एक बिजनेस एसोसिएट बनते चले जाएंगे। तो क्वालिटी के लोग अपने आप आपके साथ आते जाएंगे। बहुत बढ़िया। बबीता दास आइए एक बार। बबीता दास मैडम जी। मैम মাই রিচার্জ মর্নিং স্যার। আচ্ছা মানে স্যার আমার আমার এক টেস্টিমোনিয়াম আজকে, আমার দিদি, আমার দিদি সিস ছিল স্যার, ও জি হোমিওপ্যাথি 3 বছর ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে, কোনো কারণেই কমছে না আর হ্যাঁ কোনো কিছুই খেতে পারছে না স্যার। জি আমি এই মাই রিচার্জে জয়েন করার পর অনেকবার বলেছি দিদি তুমি খাওয়া, বলছে আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছি এখন আমি খেতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ এখন এই 2 মাস ধরে ওকে আমি মঙ্গল তুলসী আর লিপ 2000 দিয়েছি স্যার, এখন জি অনেকটাই ভালো আছে আর এখন স্ট্রং আছে, সবকিছু কাজ করতে পারছি, খেতে পারছি, আমার কাছে বোন আমি এখন খুব সুস্থ আছি। बहुत बढ़िया। अगर इससे ठीक हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। नहीं डॉक्टर प्रमोद ने सिस्ट के बारे में कुछ प्रोडक्ट बोले थे तो इसको भी वीडियो में हमको नोट कर लेना है, उस चीज को जो अगर नहीं दे रहे हैं तो वो ऐड कर देना है हमको। तो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं एक बार यहाँ पे सुरेंद्र कुमार जी को बुलाता हूँ। सुरेंद्र जी आप आइए मारिया जी। सर सर मैं आपके टेस्टिमोनी हूँ सर। मेरे मेरे साथी एक साथी है सर, साथ में काम करते थे सर, उनको ना बार बार खांसी जुकाम और ये बुखार हो रहा था सर, दवाई भी लिया उससे आराम नहीं आया, तो मेरे साथी हाँ बैठे
पी रहे थे, तो मैंने चाय में ही उसको 3-4 बूंद तुलसी डाला और सर हाँ आधे घंटे उनका बुखार उतर गया और वो पसीना पसीना हो गया सारा शरीर और ठीक हो गया, उनको विश्वास हुआ। फिर उन्होंने बालों के लिए भी सर 3-4 प्रोडक्ट लिए, महाबृंगा हेयर ऑयल, हर्बल शैम्पू और महाबृंगा कैप्सूल, ये 3 चीजें लिए और उनको 1 हफ्ते में ही उनको रिजल्ट आना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया सर, अब तो मौसम आ गया है तुलसी डाल के ही चाय पीने का तो, और ये इस बदलते मौसम में ना खांसी जुकाम बुखार सर्दी लगना एक आम बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि घर में तुलसी नीम पीरियम कैप्सूल गिलोय कैप्सूल ये तो होने ही होने चाहिए, काढ़ा, ये 4 चीजें तो जो है आपका एक किट ही होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ही रखने, कोई बीमार होने पर नहीं है, किसी को लगा उसी टाइम पे हमको दे दिया। एक बाम आती है हमारे यहाँ पे छोटी सी है ना, ये सारे प्रोडक्ट तो हमको होने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, और एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होता है तो सेटिस्फाइड कस्टमर फिर दूसरा प्रोडक्ट लेता है। संतोष कुमार कश्यप आइए सर, संतोष जी। जी सर, मैं रिचार्ज आवेदन नंबर मॉर्निंग सर। यस सर। सर एक लेडी है जी 47 इयर्स ओल्ड, हाँ उसको ल्यूकोरिया हो गया था जी, और गायनोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी करा लिए थे, हाँ लेकिन उसमें लाभ नहीं हो पा रहा था जी। ये पास में कोरबा जिला है, वहाँ की जी, लेडी है जी, तो उनको मैं गया, उनके समस्या के बारे से समझा और फिर उनको मैं दिया सर मांगोल जूस, माई तुलसी और मोरिंगा गोल्ड, ओमेन प्रोटीन और गिलोय, ये 5 प्रोडक्ट दिया सर। और वो कंटिन्यू 1 महीने के बाद में तो उसको फायदा हुआ, लेकिन अभी उसको लेते हुए 4 महीना हो चुका और वो पूरी तरह से स्वस्थ है सर। ये बहुत बेहतर रिजल्ट है। बहुत सारे लोग जो है सर यही आपको एक बार रोकेंगे, ल्यूकोरिया की जो प्रॉब्लम है इसको लेके बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना कि इसका कोई सोल्यूशन है क्या हमारे रिचार्ज में, हम बोलते हैं 100% इसका सोल्यूशन है। आपने क्या क्या प्रोडक्ट दिए सर वो रिपीट कर दीजिए, उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव में 2 प्रोडक्ट बताता हूँ कि कई बार नहीं होते हैं तो, लेकिन आपने इन्होंने 5 प्रोडक्ट दिए हैं और वो एकदम परफेक्ट जो सोल्यूशन है ल्यूकोरिया का वही इन्होंने बताया है। क्या क्या प्रोडक्ट दिए सर ल्यूकोरिया में? मांगोल जूस दिया सर, मांगोल दिया, माई तुलसी, माई तुलसी, गिलोय, ओरिंगा गोल्ड, वुमेन प्रोटीन पाउडर, वुमेन प्रोटीन दिया ठीक है, और मोरिंगा गोल्ड दिया, ये 5 5 प्रोडक्ट दिए है ना। अगर किसी के पास गिलोय नहीं है तो नीम प्यूरिम भी आप दे सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेट है, दोनों देने की जरूरत नहीं है, नीम प्यूरिम दे सकते हैं या गिलोय दे सकते हैं, दोनों आप दे सकते हैं। किसी को अगर लगता है कि मुझे और थोड़ा जल्दी बेटर रिजल्ट हो तो उसको आप वेजी जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, अदरवाइज ये 5 प्रोडक्ट जो दिए हैं ये ल्यूकोरिया वाले को 30 दिन में इतना रिकवर करके लेके आ जाएंगे आपको कि वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा, और बाकी मेडिसिन में कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मेडिसिन में जाके देते हैं वो फोलिक एसिड की आयरन की उतनी वाली गोलियां देते हैं कि उसमें उतना दम होता नहीं है जितना आदमी को चाहिए, उसको पूरी तरह रिकवर करने के लिए जो है ल्यूकोरिया का जो रूट कॉज है ना उसको हमको दूर करना पड़ेगा। एक बार संजीव कुमार जी आइए, संजीव जी गुरदासपुर से। जी सर अनम्यूट करिए संजीव जी। परिचर आयुर्वेद मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं हमारे पास एग्जांपल तो बहुत है लेकिन एक एग्जांपल आप एक बता दीजिए सर, आपका पास तो खजाना बिल्कुल है। एक सर एक मिनट ही लूंगा मैं, मेरे स्टेटस पे मैंने डाल रखा था एक, मेरे को फोन आ गया, उसको मैंने जाकर मिला, उसको ना शुगर की प्रॉब्लम थी सर, और उसका मैंने चेक करवाया 450 शुगर था, उसको मैंने ज्वेनिया दिया, मंगोल दिया, लिप 20,000 दिया और तुलसी दिया, उसके 2 महीने हो गए सर, अभी 250 से नीचे नीचे उसका शुगर आ रहा है, और उसके बाद में उसने एक मेरे को और भी मर्दाना ताकत भी उसकी कम थी तो योवा प्लस प्लस भी साथ में दे दिया, अभी उसने चेक करवाया है कल की उसका फोन आया था, वो कहता है अभी मेरा शुगर भी कंट्रोल होने जा रहा है और मर्दाना ताकत भी मेरी अच्छी है, तो पहले उसने शुगर को कंट्रोल करना है जी सर। तो आपका शुगर कंट्रोल करने में भी साथ में काम करता है, पर
पुरुषों की ये तो इसमें तो मदद करता ही है, शुक्राणु की क्वालिटी और इसको इसको को लेके। तो आपने शुगर 400 था, 250 हो गया, चार साढ़े चार सौ से ढाई सौ हो गया। लापरवाही नहीं बरतें और थोड़ा वॉक करें। और ये प्रोडक्ट तो जीवन ने दिया आपने, जी सर, जीवन ने मंगोल दिया, और क्या मंगोल दिया, तुलसी दिया सर, तुलसी दिया, बहुत बढ़िया। तो ये इन्होंने जो है चार प्रोडक्ट दिए और उनको युवा तेजोबा भी ऐड किया। तो जो शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए आप कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सर इसको क्या दें इसको, तो इस सेशन में हमको लिख लेना है कि क्या क्या देना है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार आशा लता दुलाई मैडम आइए एक बार। अनम्यूट करिए मैडम आप। हाँ बोलिए। My richest morning, sir. আমি প্লান শো দেখাতে গিয়ে ওখানে একটা 5 বছরের ছেলে 3-4 মাস জ্বরে ভুগছে, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন তো ভালো হয়নি। ওই জায়গায় আমি দেখেছিলাম এই সাপ্লিমেন্ট গুলো দেখানোর পর বলেছিলাম যে এই জিনিস খেলে জ্বর ভালো হবে, তখন বলছে কি কি বলুন, কারা, তুলসী, গিলর, ওমেন প্রোটিন। বলছে তাহলে ওমেন প্রোটিন তো দাম বেশি, তো কারা, তুলসী, গিলয় দিয়ে যান। তো ওইগুলো দিয়ে এসেছিলাম, সারাদিন খেয়েছে, তারপরে ওই সারাদিন খাওয়ার পর তবুও তাদের মন ঠিক হয়নি, ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছেন। তো দেখানোর পর ওখানে ডাক্তারবাবু বললেন যে জ্বর একদম চলে গেছে, তখন ফিরে এসে বলছে ম্যাম এই ইয়েটা ওমেন চ্যাম্পসটা দিয়ে যান। পরে চ্যাম্পস দিয়ে এলাম, তা এখনো আমি ফোন করে খবর নেই, ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে ছেলে। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने प्रोडक्ट दिया, बिलीव नहीं हुआ, लेकिन ठीक हो गया, फिर भी डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने बोला ज्वर तो है ही नहीं इनको, तो कुछ भी तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो फिर और भी उन्होंने चैम्स को ले लिया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कौशिक विश्वास आइए। जी सर। हमारी गुड मॉर्निंग सर, कौशिक विश्वास बोल रहा हूँ। सर मेरा टेस्टिमोनियल है, एक लड़की है, एक मोमेडन की लड़की थी, वो छत से गिर गई थी। अच्छा। तो छत से गिर गया, उसका स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत चोट आया था, उसके बाद उस चोट आई थी तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, चल नहीं पा रही थी, पूरा कमर के नीचे से पूरा सेंसलेस हो गया था एकदम। वो तो जो मेरे पास आई तो वो टोटो से बैठ के आई, तो उसको दोनों पकड़ के मेरे पास लेके आया था। तो सर कुछ हो सकता है, तो मैंने आपसे सजेशन लिया था सर क्या क्या इसको दे, और एक महीने वो यूज कर रही है, तो एक महीने में उसका जो नीचे का पार्ट है जो कोई सेंस नहीं दे रहा था, अभी कल के बात हुआ सर मेरा कि वो अभी सेंस, जो अब पैर वो खड़ा हो सकता है, हो सकती है, और नीचे का जो पैर का सेंस आ रहा है सर, वो अनुभव कर रहा है कि कुछ हमारा पैर में कुछ चूक रहा है, कि ये हो रहा है सर, ये हो रहा है। तो मैंने भी बहुत खुश हुआ उसका बात सुन के, तो वो कंटिन्यू करना चाहती है, तो मैंने उसको मंगोल दिया था, डायबिटिक मंगोल दिया था, कैल्शियम टेबलेट दिया था, ग्लूकोसामाइन दिया था, नोनी कैप्सूल दिया था। तो एक महीने सर आगे, 1 महीने 10 दिन हुआ है सर, उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि उसका अनुभव हो रहा है सर, नीचे का पार्ट का जो प्रोसेस जो बिल्कुल सेंस को दिया था गिरने से। तो चार प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, मानगोल दे रहे हैं, ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, और नोनी दे रहे हैं। अब पांचवा प्रोडक्ट भी आपको साथ में ऐड करना है उनको, तुलसी जो है ना सर, उसका बाहर से ना हल्की हल्की मालिश करना है, हमारे कोकोनट ऑयल में मिला के साथ में, रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का मालिश करना है ना, उनको बोलिए इसको करना। और जो सेंस आ रहा है तो उस टाइम पे ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, एक बार ना उसको जितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना हिला डुला सकते हैं, जितना हिल्स कर सकते हैं उसको हिलाएं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। अगले 20 दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी एक बार सेंस चालू हो गया तो इसका मतलब जो है नर्व में एक्टिविटी चालू हो गई, तो ठीक होने में टाइम नहीं लगता है, फिर 1-1.5 महीने में तो वो आके इधर खुद ही टेस्टिमोनियल बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए बहुत सारे लोगों को ने जो है ना पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम है, उसमें भी यही प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंटल के किसी चीज में ये हो जाते हैं,
हमारे न्यूट्रिशन का बहुत रोल है, और मैं कोशिश की अगर उनको वीकनेस अगर है तो प्रोटीन जरूर ऐड कर दीजिएगा उसमें, अगर वीकनेस नहीं है तो जरूरत नहीं है उसकी। एक बार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मलिका भट्टाचार्य मैडम को बुलाते हैं। मलिका मैडम अनम्यूट करिए मैडम। अनम्यूट करना पड़ेगा मलिका मैडम आपको। हो नहीं पा रहा है आपको, एक बार दोबारा से आपको ट्राई करेंगे हम लोग। सोमनाथ जी आइए, डॉक्टर सोमनाथ जी। मॉर्निंग सर। जी सर। एक पेशेंट जो लास्ट मंथ मेरे पास आया था, फैटी लिवर का लेडी थी, साथ में उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और कॉन्स्टिपेशन था, कमजोर थी और 42 ईयर ओल्ड के ही रिंकल बन गए फेस के ऊपर लेडी की। अच्छा। तो उन्होंने कंसल्ट किया, कंसल्ट करने के बाद मैंने उनको जो प्रोडक्ट दिए मंगोल दिया था, साथ में उनको लीवर 2000 कैप्सूल दिए और एलोवेरा कैप्सूल तुलसी दिया, साथ में नोनी दिया जी। तो 15 दिन के बाद उनका रिजल्ट ये है कि उनका हेडेक बिल्कुल खत्म है। जो माइग्रेन का दर्द था, जो बोल रही थी कि मेरे को तो पिछले 10 साल से है जी। अच्छा। हाँ, पिछले 10 साल से बोल रही थी कि मैं इसको फेस कर रही हूँ, तो आप कितने समय में ठीक करोगे। मैं कहा जी आप प्रोडक्ट शुरू करो, दवाई लो, इसका हम ये तो नहीं कह सकते हम इतने दिनों में ठीक कर सकते, लेकिन ये श्योर है कि ठीक हो जाए, ये कॉन्फिडेंट है। तो 15 दिन में जब, अब मैंने 2 दिन पहले उनके घर में गया था, जैसे आप बोलते ही हैं कि हमारे प्रोडक्ट के पैर हैं, पैर नहीं है फिर भी चलते पैर हैं। नहीं, पैर तो आपको देने पड़ेंगे। हाँ, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। तो उनके हस्बैंड को अब जॉन्डिस है, वो अल्कोहलिक लीवर है उनका रेगुलर। उनपे बाद में आएंगे अपन, पहले उन्हीं की बात थोड़ा सा करेंगे मैडम की। इनको तीन प्रॉब्लम आपने बताई, 46 ईयर एज है उनको, एक तो फैटी लीवर है, एक उनको लगातार माइग्रेन है। 42 ईयर एज है, महिलाओं की उम्र गलत बोलना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो 42 साल उम्र है और उनको फैटी लीवर है, और मजाक कर रहा हूँ ऐसे, और माइग्रेन की प्रॉब्लम, और तीसरा जो है उससे पूरा ये चेहरे के रिंकल रिंकल आ जाते हैं और काली काली ऐसे लेयर जम जाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक ऐसे जम जाते हैं। कुछ लोग खूब रगड़ते हैं बाहर वाला उस चीज को करते हैं, तो ये अंदर में जो है ना लीवर जिनका खराब होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है उससे ये जमता है पूरा का पूरा, है ना, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होने से या फिर हमारे पेंक्रियाज का इशू होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से। कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आपने बताया उनको। क्या क्या प्रोडक्ट दिया सर? 15 दिन में रिलीफ आ गया उनको माइग्रेन से और बाकी चीजों में, तो क्या क्या प्रोडक्ट दिया? मंगोल दिया सर, लीवर 2000 दिया, नोनी कैप्सूल दिया, एलोवेरा कैप्सूल दिया और साथ में तुलसी दी। तुलसी 5 प्रोडक्ट दिए। हाँ, 5 प्रोडक्ट। मंगोल दिया, नोनी दिया, है ना, एक पैकेज बन गया, तुलसी ये बन गया हमारा पूरी तरह से आपका माइग्रेन के लिए, है ना। तो जब मैं पिछले दिन गया था सर, उनके चेहरे के ऊपर एकदम इतना नूर था, मतलब एकदम फेस जो बिल्कुल मुरझाए हुए थे, बोल रहे थे जी कि हो सकता है, एकदम हंसकर उन्होंने बात किया, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हो गई जी, बिल्कुल ठीक हूँ जी, मेरा हेडेक जो 10 साल से था वो 15 दिन में गैप हो गया। लेकिन माइग्रेन वाले को 6 महीने कंटिन्यू ये प्रोडक्ट स्टॉप नहीं करने हैं सर। जी सर जी, ये हर एक को आपको बताना है 6 मंथ, क्योंकि बाकी हम बोलते हैं आप 60 to 90 days खाइए, बहुत सारे प्रोडक्ट में बोलते हैं फिर जरूरत नहीं अगर आपको ठीक हो गया है तो, लेकिन माइग्रेन वाले को जो है कंटिन्यू 6 मंथ तक जो है इस प्रोडक्ट को लेना ही लेना है, और ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है, अगर कोई करता है तो सामने झुकना नहीं है करके, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, अगर किसी को गुस्सा वगैरह आ रहा है तो तुलसी का थोड़ा सा ज्यादा उपयोग करना है इस चीज को, और थोड़ा सा आउटिंग में घर से बाहर निकले, थोड़ा सा लोगों से मिले, लोगों से मिलते जुलते रहे इस चीज। बहुत बढ़िया। उनके हस्बैंड का जो है ना सर, फिर सुनेंगे आगे से, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने जो किया डॉक्टर साहब उसमें आगे से वहां से बढ़ के जो है हम लोग बात करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर लाल बाबू साहब को बुलाता हूँ। लाल बाबू जी। जी सर, अनम्यूट करिए। जी सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं चंद्रमणि सर।
सर मैंने एक एक आदमी को सर 45 साल का था सर, उसने पंच लगा के आता था सर, उसको बवासीर हो गया था फुनी, उसमें मैंने सर उनको त्रिफला दिया सर एक तो, और तुलसी और 2000 और मंगोल दिया था सर, तो 15 दिन खाया सर। खाने के बाद में पहला तो आके बोला कि अभी तो ठीक नहीं होगा हुआ है, उसके बाद मैं उनको बोले कि आप कंटिन्यू करिए ना, तब उसको अच्छा हो जाएगा, तो वो कंटिन्यू करने लगा सर। तो उसको 20 दिन बाद में आके हमको बोला कि सर कि मेरा ये खुनी बवासीर तो अच्छा हो गया है, अभी मैं पैंपर्स भी नहीं लगाता हूँ, बोल के बोला सर। मेरा टेस्टमेंट भी यही है सर। बहुत बढ़िया बोला लाल बाबूजी। 4 प्रोडक्ट आपने दिए हैं, मानुगोल दिया, त्रिफला दिया, लिप 2000 दिया और तुलसी दिया है ना। कुछ लोगों को अगर ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसमें हमको एलोवेरा कैप्सूल ऐड करना है ना, इस चीज को हमें ध्यान रखना है अगर किसी को ऐसे बोलता है साथ में, क्योंकि 99% लोगों के लिए तो यही प्रोडक्ट है आपका ना, लिप 2000, मानगोल, त्रफला और तुलसी, इसी से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको एलोवेरा कैप्सूल हमको साथ में ऐड करना है। खूनी बवासीर मतलब पाइल्स की बहुत भयंकर वाली प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना, वो है बाहर में जो है सूजन आने लग जाते हैं, बाहर में ऐसे बिटक जैसा बनने लग जाता है पूरा, तो उसमें दिया उसका बहुत ही अच्छा जो है। पहले 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कंटिन्यू करिए, और आदमी ने बोला एकदम मेरा ठीक हो, क्योंकि इसमें आदमी कोई भी गलत जानकारी नहीं बोल सकता, बहुत परेशान हो जाता है पाइल्स में आदमी ने, तो ये चीज करनी है साथ में। अगर एलोवेरा कैप्सूल हम लोग ऐड करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इनके खान पान सुधरवाइए, कि रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं जितने भी लोग हैं ना, और सोना थोड़ा जल्दी शुरू करें, तो इस चीज को अगर करेंगे तो इसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लाल बाबू गुप्ता जी आइए एक बार, लाल बाबू गुप्ता जी। जी सर, माय गुड मॉर्निंग सर, मुबारक हो, आपके इंटरनेट चालू हो गया है। जी सर, 6 महीने के बाद मैं भी आपसे जुड़ा हूँ सर, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत उदासी था हम लोग का मणिपुर का सिचुएशन का लेकर, फिर भी मैं टॉक पा रहा हूँ सर। मैं शनिवार सुबह से बहुत परेशान था सर, एक बच्चा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डाला था, एक बच्चा को नर्सिंग होम में डाला था, लेकिन मुझे माई रिचार्ज में काम करते हुए भी मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों इधर उधर जा रहा हूँ। रात को ड्यूटी हॉस्पिटल में था, इधर उसका मेरे मैडम का ड्यूटी नर्सिंग होम में था, हम लोग इतना परेशान था। लेकिन कल सुबह मैं कल ज्वाइनिंग किया मीटिंग में, तो हमको याद आया कि मेरे पास टूल्स है और मैं क्यों इधर उधर भाग रहा हूँ। मैंने प्रिवेंशन एंड क्योर को निकाला, उसमें स्टडी किया, डेंगू मेरा बच्चा का हुआ था, दोनों बच्चा डेंगू पॉजिटिव था, तो मैंने वहां से निकाल कर स्टडी किया तो मैंने पाया कि मैं तो मंगोल रखा हूँ, मैडम और मैं पिता हूँ, बच्चा लोग भी कभी कभी पिता है, वो लोग भाग जाता है कहीं, गिलोई मेरे पास है, मैं मैडम को देता हूँ, अपने लिए देता हूँ, मोरिंगा मैं डेली खाता हूँ, तुलसी मैं डेली पीता हूँ, काढ़ा भी मैं शाम को शाम पीता हूँ, नीम पुरिन भी मैं अपना लिए खाता हूँ, ब्लड के लिए थोड़ा प्यूरिफाई। तो मैं ये स्टडी किया, कल सुबह से मैंने उसको देने लगा। आज मेरा बच्चा बेड से उठकर मतलब बाहर में आज वॉकिंग में गया है, लो दोनों बहुत। कल तक जो परसों रात तक मेरा बच्चा को ग्लूकोज डाल रहा है लो, एनआर डाल रहा है लो, क्या क्या मेडिसिन, पैरासिटामोल लिक्विड डाल रहा है लो, टेबलेट दिया, इतना दवा मेरे पास दोनों प्लास्टिक में भरा हुआ है सर, इतना प्लास्टिक में भरा हुआ है दवा। अब सब दवा को हम चेंज कर देंगे, उस लोग को रिटर्न कर देंगे, लेकिन मुझे डेंगू पे जो है अपने बच्चों को आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसीलिए मीटिंग में लगातार आते हुए इसलिए हम बोलते हैं लगातार सीखते रहो, जानते रहो, मानते रहो। कनिका खान आइए एक बार, कनिका मैडम जी मैम बोले मैम। माय गुडिंग जी मैम, আজকে একটা কথা বলবো। আমি এমনি মার্কেট থেকে আসছিলাম জি, আজকে একটা ম্যাডাম আমার সাথে দেখা করে আর পায়ে মোচড় লেগেছিল। আমাদের দুটা হঠাৎই নেয় ক্যাশ পয়সা দিয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে ব্যবহারের পর ওনার একদম গায়েব হয়ে গেছে। তারপর আজকে একদিন ডাকে আমাকে বাড়িতে গেলাম, বললো এরকম
কি জিনিস ব্যবহার করছিস, এত ম্যাজিকের মতন কাজ দিল, আমি কত তাড়াতাড়ি করেছি। আমি বললো মাই রিচার্জ কোম্পানিতে একটা কাজ করছি। বলছে তাহলে আমাকে কিছু দিয়ে না, আমি মেডিকেলের ওষুধ খাচ্ছি, আমার শরীরে যেন কেমন অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, রুগ্ন শুগ্ন খেতে পারছি না। ওনাকে প্রথম কাড়া দিয়েছিলাম আর তুলসী দিয়েছিলাম, দুদিন খাওয়ার পর সকালে একটা বৈকালে একটা, দুদিন খাওয়ার পর ওনার খিদেটা মুখের স্বাদটা পাল্টেছে, খিদেটা উঠেছে। ওটার পর আর কিছু নেই আমাকে, তাহলে শরীরটা যাতে সতেজ হয়, দুর্বলতা কাটে, আমি তখন মঙ্গল সাজেশন করেছি। মঙ্গল সাজেশন করার পর উনি খাওয়ার পর বলছে তাহলে তো মানে জিনিসটার মধ্যে দম আছে, মানে আমাদের এই প্রোডাক্টটা উনি খুব বিশ্বাস করেছেন এবং নিচ্ছেন। আর বললো 15 দিন পর আমি যাব, এই সপ্তাহখানেক দেয়া হয়েছে, তারপর উনি রেজাল্ট দিয়েছে, ভালো ফল। এই হচ্ছে আমার আজকে পরীক্ষা। বহুত শানদার, বহুত জবরদস্ত ম্যাডাম। তো নলেজ হোগা তো হামলোগ দে পাঁগে। আখির তক হাম পৌঁছ গয়ে হ্যাঁ। আব সার আহমদ মজুমদার আইয়ে এক বার। জি স্যার। মাই রিচার্জ মর্নিং স্যার। রিচার্জ মর্নিং স্যার। স্যার মেরে ডিস্ট্রিমিনিয়া মে মেনে। জি জি বলি বলি, আপকি আওয়াজ আ রহি হ্যায়। 8 অক্টোবর কো মেনে টেটাস মে ডালা থা মাই রিচার্জ কা প্রোডাক্ট কো বারে মে। মেরা এক কাস্টমার, পুরানা কাস্টমার করিমগঞ্জ কা হ্যায়। উসনে উসকা ফ্রেন্ড কা বেটি কো আজ করিবন 3 সাল সে পিরিয়ড কা টাইম পে 2 মহিনা কো বাদ পিরিয়ড হো রহা তো পুরা 30 ডেজ কা পিরিয়ড রহতা হ্যায়। পার ডে 1 প্যাকেজ আপকা ইয়ে লাগ জাতা থা। মেরে সে ডিসকাস কিয়া মেনে স্যার উসকো ডায়াবেটিস ফ্রি মঙ্গল দিয়া আর লিপ 2000 দিয়া আর তুলসী মাই তুলসী দিয়া থা। मैं बोला 1 लीटर मंगल 15 डेज में खत्म करना है और तुलसी 3 15 डेज में खत्म करना है। अभी सर मेरे को यस्टरडे कॉल आया, बोला उसका जो मेंस पीरियड का टाइम थे अभी ज्यादा ब्लीडिंग होता था, अभी कम हो रहा है। 5 डे 1 पैक से हो रहा है, पहले 1 पैकेज लगता था 1 डे में। अभी उसका रिजल्ट ये आया, मैं 2 मंगल 2 लीटर मंगल उनको दिया था, इसका रिजल्ट ये है कि वो 85% अभी सक्सेसफुल हो रहा है 20 डेज के अंदर। बहुत शानदार सर, ऐसे ही जो है लोगों को सेवा करते रहिए, देते रहिए, लोग जो है आपको दुआएं देते रहेंगे, बिजनेस भी बढ़ते रहेंगे और लोगों का स्वास्थ्य बढ़ता रहेगा। टाइम हमारा हो गया है। मलिका भट्टाचार्य मैडम बोलना चाहती थी, रॉबिन सिंह जी, रमेश बारेट, संपा हल्दर, बबलू कुमार सिंह, तुलिका भट्टाचार्य, यूसुफ अली जी, जतीराम लाल बाबू जी तो बोले हैं, पिंटू बेरा, भावराज देव जी, अशोक कुमार और भी बहुत सारे साथी बोलना चाहते थे, मौका नहीं मिल पाया आज के दिन में। अगली बार फिर मौका मिलेगा तब बोलेंगे। आज का टेस्टिमोनियल बहुत जबरदस्त रहा, यूट्यूब पे जो है दिन में आपको अवेलेबल होगा और इसको भी देखिए। और 2 सेशन हमने कल और परसों किए थे, बहुत जबरदस्त। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उन दोनों सेशन को खुद भी देखिए, टीम को भी दिखाइए। और रोज की तरह हम फिर बोलेंगे, मुस्कुराते तो रहिए लेकिन फील्ड में भी निकलिए, क्योंकि जो आदमी नेटवर्क बनाएगा उसी की नेटवर्थ, अगर आपकी नेटवर्थ है तो लोग आपको सलाम करते हैं, लोग आपको पूछते हैं। तो दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर प्यारे, तो वो काम है हमारे को पहले सीखना है और फिर सिखाना है। सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। आप सबका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी में जो है हेल्दी बने रहें, लोगों को हेल्दी करते रहें और इसके साथ जो है पूरी जिंदगी को एंजॉय करते रहें। कल सुबह एक शानदार सेशन में मिलेंगे जिसका नाम है प्लानसो और लीडर्स की सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। जय मैरिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।